अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक गोश्त की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में पालक मैंने ली है 3 किलो, इसको बॉईल करके ग्राइंड कर लिया है। गोश्त मैंने बीफ का लिया है 1.5 किलो। पानी लेंगे हस्ब जरूरत, कुकिंग ऑयल लेंगे हस्ब जरूरत, 1 गिलास दूध का लेंगे, 1 कप दही लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 टीस्पून, हरी मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद, प्याज मैंने लिए 4 अदद, धनिया लेंगे हसबे जरूरत, टमाटर मैंने 3 अदद लिए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लेंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची लेंगे। सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे, उस पर गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने बीफ का लिया है 1.5 किलो। प्याज शामिल कर देंगे, प्याज मैंने 4 अदद लिए। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, टमाटर मैंने 3 अदद लिए। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्च है वो भी शामिल कर देंगे, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी है वो भी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे, पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जो वो गोश्त है वो अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब प्रेशर को हम 15 से 20 मिनट के लिए लगा देंगे। जब हमारा गोश्त गल रहा है हम अपनी पालक को फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैं 1/2 कप के करीब डाल रही हूँ। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पालक शामिल कर देंगे। अब साथ ही इसमें हम दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। पालक को हमने ऑयल में 8 से 9 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि जो पालक के अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। गैस को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में हमने पालक को फ्राई करना है अच्छी तरह इसमें। साथ ही हम इसमें 1 कप दूध का शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दूध को। पकने देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, अब इसको हम देसकी में निकाल लेंगे। गोश्त में तो थोड़ा बहुत पानी है, उसको हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। पालक में जो पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो गया। पालक हमारी रेडी हो चुकी है, अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको साइड पर कर देंगे। पानी इसमें खुश्क हो गया, अब इसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और गोश्त को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें 1 कप हम दही का शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और इसकी बनाई कर लेंगे। गैस मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम में हम इसकी बनाई करेंगे। साथ ही हम इसमें मसाले भी कुछ शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है वो भी शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है वो भी शामिल कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। मज़ीद 2 मिनट के लिए और इसकी बनाई करेंगे, बाद में इसमें हम पालक शामिल कर देंगे। गोश्त की अच्छी तरह बनाई हो गई है, अब इसके अंदर हम पालक शामिल कर देंगे। अब पालक के इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। गैस मैंने मीडियम रखी हुई है, धनिया शामिल कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने देंगे। पालक हमारी रेडी हो गई है, अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
मज़ेदार सा पालक गोश्त का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।